यहाँ पे मैंने एक कप मैदा ले लिया है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देंगे करीबन 2 चुटकी, इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया मैंने कट करके डाल दिया है, बारीक धनिया एकदम, और 2 हरी मिर्च बारीक कट करके डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे कि ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें दही डालूंगी 3 चम्मच और उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे और इसे ढक देंगे करीबन 30 मिनट के लिए। अगर जल्दी है तो आप 15-20 मिनट में भी ले सकते हो। देखिए फूल गया है अच्छे से। इसे मैदा लगा के बिल्कुल टाइट ना करें वरना रोटियां फूलेंगी नहीं। चलिए छोटे छोटे गोले ले लेते हैं और इससे रोटियां बेल लेते हैं छोटी छोटी। बहुत बड़े बड़े नहीं बेलेंगे, छोटे बेलेंगे तो छोटे सेकने में भी बहुत ही आराम रहता है और अच्छे से पक जाती है तवे पर। मैदा बहुत ही थोड़ा लगाना है। देखिए मैंने तवा चढ़ा दिया था, गर्म हो गया है, इसमें एक साथ में 3 डाल देंगे। चलिए पलट देते हैं, हो गया है। और इसे दबाते हुए चम्मच से इस तरह से इसे सेकेंगे, इसे पलट देंगे। देखिए फूल गई, अच्छे से पक भी गई है। चलिए इसे निकाल लेते हैं, इस पर घी या बटर लगाकर। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।